ब्रेन डेड कर जाता है, पेटवा फट जाएगा उनका यहाँ पर, उसको अंधा होना फिक्स है। बहुत शौक से शराब पीता है, आप डायरेक्ट शराब पिएगा मर जाएगा इंसान। जब शराब कोई भी व्यक्ति पीता है तो शराब के जो शराब पीने वाले रहते हैं सर ना, बहुत शौक से शराब पीता है, अब बड़े बड़े पार्टी उटी में देखते हैं खूब शराब पीता है सर, यहाँ पे एकदम नहाइले रहता है सर, आप पीला के बाद फुल कॉन्फिडेंस में आ जाता है सर। शराब पीने वालों की बहुत कमजोरी है, उनको उनसे कोई बात जल्दी शेयर अच्छा से मत कीजिएगा, वरना अगर पी लिया है ना उससे उगलवाना है तो कुछ नहीं, 2-3 दिन तक अच्छा से बात कीजिए, और भाई ठीक ठाक ये हो चल पार्टी करते हैं ढगा, अब जब पी लेगा तो सब बात उगल देगा, कहाँ था रे तू, हमको कौन रोकेगा यार, सब बात उगल दे, क्योंकि जब हम शराब पीते हैं तो शराब का पीए ज्यादा होता है, आप डायरेक्ट शराब पिएगा मर जाएगा इंसान, हालांकि एक से एक एक्सपीरियंस पियकड़ पी जाता है सब। फिल्म में देखिएगा ना, जब उसका ब्रेकअप होगा ना, बड़का बोतल ले आएगा धक 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 कैसे पिएगा, उसमें पहले से पानी पी ले जाता है, अजब हाल है भाई, क्या जरूरत है तुमको पीने का, ये सब चीज जो है ना फिल्म में बहुत दिखाता है, कॉमन चीज है वहां पे, देखिएगा ऐसे पिएगा ना कैमरा मैन उसको गोल गोल घूमेगा ऐसे 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 वहां पे एकदम पी के एकदम बोतलवा अपने ऊपर फोड़ लेगा। जब शराब कोई भी व्यक्ति पीता है तो शराब के अंदर पीएच कितना होता है भाई, और शराब के अंदर इथाइल अल्कोहल होता है C2H5OH। बताइए प्रबल अम्ल है कि दुर्बल है, दुर्बल है, कैसे पता दुर्बल है, कार्बन है, कि अगर ससुरा इतने पीएच का उसको प्रबल अम्ल पिला दीजिए ना HCl, पेटवा फट जाएगा उनका यहाँ पर, क्योंकि देखिए पीएच एक अलग चीज है, पीएच टेस्ट को बताएगा, लेकिन प्रबल है सोचा बहुत पावरफुल हो जाएगा, तो ये क्या होता है इथाइल अल्कोहल, जो सैनिटाइजर होता है उसमें भी क्या होता है इथाइल अल्कोहल, जब ये इथाइल अल्कोहल जाता है पेट में तो पेट इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और पेट पचा नहीं पाता, वो सीधे किसे दे देता है लीवर को, लीवर इथाइल अल्कोहल को पूरी तरह से क्या कर देता है तोड़ देता है, पूरी तरह से लीवर इथाइल अल्कोहल को तोड़ता है, इस तोड़ने के क्रम में लीवर के ही कोशिकाएं खत्म होने लगती है, जितनी बार आप शराब पिएंगे उतनी बार लीवर आपके उस पेट पचा नहीं पाएगा, किसको दे देगा लीवर, और लीवर में कूफर सेल होते हैं, कूफर सेल वो उसको तोड़ते हैं सब और अपने नष्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर लीवर को हम आपको पढ़ाए हैं बायोलॉजी में कि लीवर में बहुत जल्दी रिकंस्ट्रक्शन होता है, लीवर में रिकंस्ट्रक्शन बहुत ही जल्दी हो जाता है, तो रिकंस्ट्रक्शन होकर लीवर सही हो गया, और जैसे उसको तोड़ देता है तोड़ के लीवर का एक ही काम है, जितना जूस है तोड़ ताड़ के किसमें मिला देना है ब्लड में, और जैसे ब्लड में मिलेंगे तो ब्लड कहाँ जाएगा ब्रेन तक, ब्लड कहाँ जाएगा ब्रेन, और ब्रेन में जैसे जाएगा ना तो ब्रेन को जाएगा ये, तो ब्रेन के कोशिकाओं को हिट करेगा, तो ब्रेन बहुत ज्यादा मात्रा में डोपामीन छोड़ देगा, डोपामीन जब छोड़ देता है ना तो आदमी फ्रेश महसूस होने लगता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, आनंदित हो जाता है एकदम, थकान दूर हो जाएगा, डोपामीन आएगा, तो जितना ज्यादा मात्रा में डोपामीन आप देखिए उसको, अब ओकरा सामने कोई और रहे लड़ जाएगा, अब उसको क्या है डोपामीन है, अब वो मस्त एकदम घूम रहा है, उसको जितना ज्यादा पिया होगा डोपामीन एकदम बढ़िया से घूम रहा है यहाँ पर, लेकिन सेरिबेलम जो है काम कंट्रोल छोड़ देता है, इस वजह से शरीर कंट्रोल में नहीं रहेगा, लेकिन पूरे शरीर में क्या है डोपामीन है, एकदम बढ़िया से घूमेगा, उसका सारा टेंशन क्या हो जाता है, ये उसको लगता है कि उसका टेंशन दूर हो रहा है, वो एक ऐसे टेंशन के माया जाल में फंस गया है ना, अब उसको वहां से बर्बाद होकर कोई नहीं निकाल सकता है, डालमोट लॉकडाउन में सीखा है, आगे बढ़े, शराब बहुत अच्छा बात नहीं है, यहाँ पर इथाइल अल्कोहल होता है, शराब क्या है इथाइल अल्कोहल, और अगर ये हल्का सा इसका कॉम्बिनेशन गड़बड़ हुआ ना तो क्या बन जाता है मिथाइल अल्कोहल, और ये मिथाइल अल्कोहल जब बनेगा CH3OH ये जहरीला शराब हो जाता है, ये जो भी पिएगा ये इतना जहरीला होता है कि जब इसे लीवर तोड़ के ब्रेन को भेजता है ना तो ब्रेन डेड कर जाता है, यहां तक में ब्रेन क्या छोड़ेगा डोपाम, अगर ये पहुंच गया तो ब्रेन डेड कर जाएगा, ब्रेन एकदम डेड कर जाएगा, इंसान मर जाएगा, और ब्रेन डेड नहीं करेगा ना तो ब्रेन के सबसे पास में मिलता है आंख, वो अगला अटैक किसे करेगा आंख पर, उसको अंधा होना फिक्स है, अगर बच गया तो ससुरा अंधरा जाएगा, बच गया तो अंधरा जाएगा, वो डिपेंड करता है कितना डोज है, अगर कम डोज है तो बस आंखिया चौपट होगा, और ज्यादा डोज है तो आंखिया के साथ साथ ब्रेन भी चौपट हो जाएगा, तो ब्रेन डेड कोई चीज हो गया तो सोचो मर ना बचने वाला है, फिर ब्रेन डेड कर गया शरीर किस काम का रह गया तब आपका,
वो कंट्रोल खत्म हो जाएगा, यहाँ पर सब चीज खराब हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे सब अलग अलग चीजों का पीएच रहता है। आगे बढ़ जाना, किसी को दिक्कत? नींबू का पीएच, शराब 2.1, शराब का 2.1। अलग अलग शराब के अलग अलग होते हैं। जैसे शराबी जो पियक्कड़ होता है ना, उसको डायरेक्ट ये दे दीजिएगा रम तो नहीं पिएगा, वो बहुत हार्ड हो जाता है, तो उसको बियर पीता है सब। बियर का कितना होता है? 5। इसको पानी मिला के 5 करना है और वैसे ही कितना रहता है? 5। तो जितना बियर पीने वाले होते हैं सर ना, देखिएगा वो डायरेक्ट पी जाता है सर। देखिए रम वगैरह जो होता है या देसी शराब होते हैं सर, ये बहुत हाई होते हैं सर, उसका पीएच कितना होता है? 2.8। इसमें क्या मिलाना पड़ता है? क्या मिलाना पड़ता है? पानी। अब बियर वाले में वो डायरेक्ट पी जाता है सब, नौसिखिया पीता है सर, एक से एक रहता है सब पीने वाला। आप में से कितना पीता है सब? वो काला सांड, तुम भी पीता है? तुम शराब पीता है कि मोबाइल पीता है रे तू? का ऐसा हो गया एकदम वहां पे? आगे बढ़े, बताइए बियर का पीएच 5। जितना नौसिखिया होते हैं सब ना, सब बियर पिएगा सर, और उसमें पानी मिला देगा तो और 6.5 हो जाएगा, बहुत नॉर्मल पीएच हो जाता है। तो कहता है सर बियर ऐसे नहीं होता। हमारे एक आध दोस्त थे सब, शुरू शुरू में जब हम 9th या 10th में पी रहे थे, पढ़ते थे तो बहुत छोटे थे, बात समझो, बहुत हम दुबले थे। लॉकडाउन से मेरा पहला वीडियो देखोगे ना, बहुत दुबले थे। तो हमको क्या कह रहा था भाई, पी ले बहुत मोटा हो जाएगा। हम कहे कि सोचा तुम हमको परमानेंट सर दर्द दे रहा है, बहुत परमानेंट सर दर्द। ये सब चीज़ें सही नहीं है आप, ये सब चीज़ों से हमेशा बचे, क्योंकि धीरे 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 ऐसा लेवल पे चल जाएंगे ना फिर कब, और वो लोग मेहनत नहीं कर पाएंगे। जो शराबी होते हैं ना, उनको शुरुआत में लगेगा, क्योंकि अब वो डोपामीन के आदि हो जाएंगे। आप उनसे कह दीजिएगा 10 घंटा काम करते बिना शराब का, नहीं कर पाएंगे। फिर अब उनको क्या होगा? चाहिए। हालांकि हमारी बॉडी खुद काम करती है ना, कि शराब काम करता है, लेकिन अगर आप आदि हो गए शराब के, क्या हो गए? आदि हो गए, तब आपका शरीर किसका आदि हो जाएगा? डोपामीन का। जब तक पिएंगे नहीं, लीवर तोड़ेगा नहीं, वो डोपामीन छोड़ेगा, आपसे काम ही नहीं हो पाएगा। तो शराबी सब आप देखिएगा, उनसे जो काम कराना होगा ना, तो पहले वो क्या मांगेंगे? बहुत बहुत गड़बड़ होता है।